नमस्कार जोहार, मैं कृष्णा गुप्ता। चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को फटाफट तरीके से। सरकारी बैंक के फर्जी लिंक के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई लूटने वाले 3 अपराधियों को गिरिडीह साइबर पुलिस ने दबोचा। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए पलामू में बना वर्चुअल प्लेटफॉर्म, मुख्य न्यायाधीश ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। धनबाद के एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग के ओबी डंपिंग कर्मियों को वेतन न मिलने से काम किया ठप। प्रतिवृक्ष 5 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए JVVNL और वन विभाग तैयार, जाने सरते। शराब बेचने वाली एजेंसी GDX ब्लैक लिस्टेड, 8 करोड़ रुपए जब्त। गिरिडीह में अब तक नहीं बना बरगंडा का पुल, जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं लोग। झारखंड में पोटास की खोज के लिए खान मंत्रालय की पहल, शुरू की ई नीलामी प्रक्रिया। तेलंगाना में बीजेपी BRS कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक्टर अल्लू अर्जुन और नाटू नाटू सॉन्ग के म्यूजिक डायरेक्टर ने वोटिंग की, 1 बजे तक 36.68% मतदान। प्रधानमंत्री मोदी बोले, पहले की सरकार खुद को माई बाप समझती थी, सबसे बड़ी जाति गरीब, युवा, महिलाएं, किसान, इनको मजबूत बनाकर भारत को विकसित बनाएंगे। सूरत केमिकल प्लांट में अब तक 7 की जलकर मौत, 24 घंटे बाद मिले कंकाल से पहचान, 8 की हालत नाजुक, रिसाव के बाद ब्लास्ट हुआ था। भारत के पहले एस्ट्रोनॉट से मिले नासा चीफ, कहा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी बड़े सपने देखे, राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल, गुलमर्ग में -1 डिग्री तापमान, तमिलनाडु में भारी बारिश, 5 जिलों में स्कूल बंद, मध्य प्रदेश के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। NIT श्रीनगर के स्टूडेंट्स को हॉस्टल खाली करने का निर्देश, सेमेस्टर एग्जाम के बीच विंटर वेकेशन की घोषणा, वीडियो पोस्ट को लेकर छात्रों ने किया था प्रदर्शन। पुणे में कॉलेज स्टूडेंट की हत्या, गे पार्टनर पर आरोप, दोनों दोस्त थे, मृतक ने कुछ समय बाद रिश्ता रखने से इनकार कर दिया था। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद मुख्यमंत्री धामी ने ईगोस पर्व मनाया, सभी 41 मजदूर स्वस्थ, 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आएंगे झारखंड, हजारीबाग में BSF के राइजिंग डे परेड में होंगे शामिल, अलर्ट मोड पर पुलिस। प्रेरणा दिवस पर रक्तदान का मौका, मानवता का रिश्ता निभाएंगे रक्तदान के लिए आगे आए, रक्तदान के कई होंगे फायदे। CM, उनकी पत्नी और साली के खनन लीज आवंटन पर सुनवाई पूरी, फैसला रखा सुरक्षित। BAU के पूर्व VC के खिलाफ कृषि सचिव ने जांच कमेटी बनाई, 15 दिन में मांगी रिपोर्ट। 975 करोड़ का जैना मोड़ डुमरी 4 लेन रोड का प्रस्ताव लौटाया। चेक बाउंस मामला अंतर्गत अमीषा पटेल पर जुर्माना, याचिका भी हुई स्वीकार। सांसदों ने जताई नाराजगी, झारखंड में 3 साल से लंबित रेल परियोजनाओं पर GM के साथ 10 सांसदों ने 3 घंटे की माथापच्ची, रिजल्ट हुआ शून्य। राजधानी रांची में सबसे अधिक साइबर क्राइम, प्रतिबिंब बना साइबर अपराधियों का काल, रियल टाइम लोकेशन के आधार पर 20 दिनों में 21 गिरफ्तार। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस ने मेन रोड में किया रूट डाइवर्ट, लंबा जाम लगा, अब 31 दिसंबर तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ओवरब्रिज पर वाहनों की नो एंट्री। अतिक्रमणकारियों में हारा आवास बोर्ड, सहजानंद चौक पर 5 स्टार होटल नहीं, पार्क बनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और साली को माइनिंग लीज मामला अंतर्गत हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, आरोप पद का दुरुपयोग कर CM ने दी थी लीज। टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम अंतर्गत रांची के 3 पंचायत में संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित, मिली जानकारी।